हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पना फूड चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज ये कुरकुरे बनाना। देखिए, बिल्कुल भी मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है ये, और बच्चे तो इसे फटाक से चट कर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये बनाना कुरकुरे। बस ये मैं आधा कटोरी चावल से इतना कुरकुरे में बनाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये कुरकुरे बनाना। बनाना शुरू करते हैं कुरकुरे, जिसके लिए मैं ली हूँ ये चावल का आटा है, जो मैंने आधा कटोरी लिया है इस कटोरी से, बाउल से। और ये जो मेरा है आरारोट है, मतलब वो भी मतलब मैं एक स्पून ली हूँ इस स्पून से, और ये स्पून से मैं दो स्पून बेसन ली हूँ, और फिर इस कटोरी से मैं डेढ़ कटोरी पानी लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये रहा चावल का आटा, ये मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। उसके बाद ये बेसन और ये अरारोट, और ये जो मैं लूँगी, ये देखिए, ये पिंच ऑफ बेकिंग सोडा है, खाने वाला जो सोडा होता है, बस बस मुझे इतना ही लेना है। बस ये मैं इसमें डाल दी हूँ अच्छे से। अब मैं इस कटोरी से डेढ़ कटोरी पानी लूँगी। ये देखिए, एक कटोरी और ये डेढ़ कटोरी। बस अब मैं सभी चीज़ों को मिलाऊँगी। इतना अच्छे से मिलाना है कि इसमें कोई भी गुठली ना हो। इसमें ऐसे अच्छे से मिलाती हूँ। ये देखिए, अच्छे से हो गया, मिल गया, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब मैं इसे गैस पे चढ़ाऊँगी। गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ और इसे मीडियम आंच पे 5 मिनट इसे पकाना है। गैस मेरा एकदम मीडियम है, बस इसे चलाते हुए पकाते रहना है। ये चलाते चलाते ये एकदम गाढ़ी हो गई है इस तरह की। अब मैं इसे 5 मिनट ढक के पकाऊंगी। ये मैं देखिए ढक देती हूँ इसे, एकदम कम आंच पे इसे ढक के 5 मिनट पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट इसे मैं ऐसे ही स्टीम कर दी हूँ। इसे हल्का सा चला दूंगी, बस इसे नीचे उतार दूंगी मैं गैस से। देखिए, ये मैं उतार दी हूँ इसे। अब थोड़ा इसे ठंडा होने देती हूँ, 15 मिनट के लिए ठंडा होने देती हूँ मैं। तब तक फ्रेंड्स, वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसमें तेल डाल दूंगी गर्म होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी ये इस टाइप की ये कुरकुरे बनाऊंगी। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा ये इस टाइप का। ध्यान रखिए, अगर आपके हाथों में ये चिपक रहा है ना, तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं हाथ में। देखिए, इससे हाथ में अगर तेल लगा लीजिएगा तो ये नहीं चिपके। तो कुछ टेढ़ा, कुछ इस टाइप का मुझे बना के रखना है, लगे कि हाँ ये कुरकुरे ही है। देखिए, इसी तरीके से मैं सारा बना के रख देती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैं ये सारा कुरकुरे बना के रख ली हूँ। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। तो फ्राई कैसे करना है फ्रेंड्स, पूरा हाई, इसमें क्या करना है ना कि पहले मुझे हाई पूरा रखना है, जो गर्म होगा ना तेल, ये मेरा पूरा हाई पे रखना है, और जब मैं डाल दूंगी उसके बाद इसे मैं लो करूँगी। तो देखिए, अभी ये पूरा हाई है, तो मैं एक एक करके ये डालते जा रही हूँ। देख सकते हैं आप, इसी तरीके से मैं और सारा डाल दूँगी। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसमें डाल दी हूँ ये कुरकुरे, और बिल्कुल भी ये मेरा लो फ्लेम है। बस देखिए, ये एकदम लो पे रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा ये बन रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप।
देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है, अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं इसे निकाल दी हूँ और देखिए ये कितना अच्छा साउंड आ रहा है, बिल्कुल भी क्रिस्पी बना है ये देख सकते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। बस इसी तरीके से मैं और फ्राई करके निकाल लूँगी सारा। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा कुरकुरे बन गया है और कितना ही क्रंची बना, ये देखिए आवाज़ सुनिए इसका, ये कितना ही क्रंची बना है ये बहुत ही। अब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी, ये देखिए इसमें मैं नमक डाल दी हूँ। बस फ्रेंड्स मैं नमक डाल दी हूँ, ये रहा आधा टीस्पून, ये मैंने चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए ये चाट मसाला भी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी ये लाल मिर्च, ये लाल मिर्च भी ऐड कर दी हूँ। अब इसे मैं टॉस करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ, इसका आप आवाज़ सुन रहे हैं कितना क्रंची बना है ये, और खाने में तो और भी मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी है ये। और ये घर से बनी है, आप बच्चे को बेफिक्र होके इसको खिला सकते हैं। बस सभी चीज़ों को मैं अच्छे से टॉस कर दी हूँ, मिक्स कर दी हूँ। सिर्फ आधा कटोरी चावल के आटे से देखिए ये इतना बन के रेडी है। अब मैं इसे खा के देखिए आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कितना अच्छा है। बस फ्रेंड ऐसे ही मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, एक कुरकुरे तो रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।